सो गाइस क्या आप भी एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, वही प्राइस सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपीज के अंदर में। 7000 रुपए के अंदर में अगर आप लोगों को बेस्ट स्मार्टफोन लेना है तो आ जाओ जल्दी से। आज के वीडियोस उन लोगों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है जो ना सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए के लगभग में स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, वो भी यार एक हाई परफॉर्मेंस के साथ में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि इसमें 4 GB रैम देखने को मिल जाता है एंड साथ में काफी बड़ा स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। यार कैमरा सेटअप की तो बात ही मत करो, काफी अच्छा दिया गया है एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दिया गया है यार, क्योंकि मीडियाटेक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो परफॉर्मेंस काफी ज्यादा लाजवाब मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। बट लेट नहीं करते और जानते कि वो कौन सा स्मार्टफोन आ जाता है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। एंड उससे पहले कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, हमेशा से मैं टिंकू एंड हमारे चैनल मास्टर नाम मिस्टर टिंकू में आपका स्वागत है। चलिए लेट ना करते हुए डायरेक्टली करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस यहां पे देखने को मिल जाता है। डिजाइनिंग के लिए बात की जाए तो इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं ड्यूल कैमरा एंड यहां पे एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाता है। डिजाइनिंग में तो ट्रिपल कैमरा यहां पे देखने को मिल जाता है, बट यहां पे देख सकते हैं सिंगल कैमरा के साथ में फ्लैश अनलॉक वगैरह सारा चीज दिया गया है। काफी ज्यादा कूल डिजाइनिंग देखने में लग रहा है। डिजाइनिंग के लिए तो बात ही मत करो, इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस स्मार्टफोन आ जाता है जो कि काफी अच्छा डिजाइनिंग के साथ में आ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है यार। इसका डिजाइनिंग देख करके मुझे भी अट्रैक्टिव लग रहा है बिकॉज ना इसका डिजाइनिंग एग्जैक्टली काफी अच्छा दिया गया है। यार बात करते प्राइस पॉइंट को लेकर के तो 7799 यहाँ पे 7799 रुपए के लगभग में पड़ रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते 5% का यहाँ पे कैशबैक भी पा सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक वगैरह से लगा करके। आप लोगों के पास अगर अवेलेबल है एटीएम वगैरह डेबिट कार्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह तो उससे आप यहाँ पे उसका यहाँ पे यूज करके और 5% का कैशबैक भी पा सकते हैं, तो 7000 रुपए के लगभग में आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकेंगे। ऑपरेटिव सिस्टम की बात की जाए तो एंड्रॉइड 13 गोप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर ब्रांड के लिए अगर बात की जाए तो मीडियाटेक का यहाँ पे हेलो G36 का यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो प्रोसेसर काफी अच्छा दिया गया है। ओके एंड्रॉइड 13 पे दे दिया गया है तो नॉर्मली काफी अच्छा है बिकॉज इसका प्राइस डाउन रखा गया है, थोड़ा सा कम रखा गया है, ठीक है। सो 4 GB रैम एंड 128 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। 2 TB तक आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, तो देखो 2 TB तक यार आप इसमें अलग से स्टोरेज को यूज कर सकते हैं, बट इसमें ये स्टोरेज काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो इससे ज्यादा और कितना बड़ा चाहिए यार। 128 GB का स्टोरेज दे दिया गया है तो काफी अच्छा है। 7000 रुपए के अंदर में मुझे इतना लगता है कोई स्मार्टफोन 128 GB का स्टोरेज देगा बिकॉज इसका ही दाम यार 1000 रुपए के लगभग पड़ जाएगा। 4 GB रैम देखने को मिल जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राइस के लिए बात की जाए तो 7000 रुपए के अंदर में। तो यार अदर स्मार्टफोन अगर ये सारे फीचर्स को खोजोगे ना तो थक जाओगे यार, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। बट इस स्मार्टफोन में दिया गया 6.6 इंच के साथ में यहाँ पे HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें 90Hz का रेफ्रेश रेट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में बात की जाए तो काफी ज्यादा अच्छा डिस्प्ले मुझे लग रहा है, देख सकते हैं 90Hz का यहाँ पे 6.6 इंच के साथ में यहाँ पे काफी अच्छा दिया गया। अप टू 500 nits ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, तो ब्राइटनेस वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है। ओके एंड 6.6 इंच का एक काफी ज्यादा लार्जेस्ट एंड बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले के मामले में भी ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इस प्राइस पॉइंट का। सो अब बढ़ते हैं डायरेक्ट इसका कैमरा सेटअप है एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज ये 7000 रुपए के अंदर में मुझे लग रहा है कि इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन आ रहा है जिसमें इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। कैमरा को देख करके आप भी दंग रह जाओगे यार। 7000 रुपए के अंदर में यहां पे देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल प्लस ऑल लेंस करके यहां पे कैमरा देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का ड्यूल ऑल कैमरा विथ रिंग फ्लैश के साथ में यहां पे देखने को मिल जाता है। तो यार यहां पे देखो 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपीज के अंदर में, तो कहीं ना कहीं कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट में मुझे लग रहा है अदर स्मार्टफोन के मुकाबला अगर बात की जाए। तो अगर फ्रंट की बात की जाए तो 8 MP का यहाँ पे सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है विद एलईडी फ्लैश के साथ में, फ्रंट में भी एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाता है एंड 8 MP का। तो नॉर्मली अगर बात की जाए ना प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा सेटअप किया गया है एंड फोटोज वगैरह भी सेल्फी भी काफी अच्छा आने वाला है। आप चाहे तो यार नाइट में भी सेल्फी ले सकते हैं, काफी अच्छा आ जाएगा। कैमरा के मामले अगर बात की जाए इस प्राइस पॉइंट में तो मुझे 1% में डाउट नहीं है कि इसका कैमरा खराब हो सकता है, काफी अच्छा कैमरा दिया गया। 7000 रुपए के अंदर में जितना देना चाहिए उससे ज्यादा ही दिया गया। 6000 mAh का बैटरी विथ 18W का यहाँ पे टाइप सी फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। 6000 mAh का बैटरी कैपेसिटी 7000 रुपए के अंदर में देख सकते हैं, काफी अच्छा दिया गया फीचर्स एंड इसके साथ में यहां पे 18W का चार्जर देखने को मिलता है, 18W का चार्जर देखने को मिलता है 7000 रुपए के अंदर में, तो ये भी काफी अच्छा फीचर्स मुझे लग रहा है, काफी जल्द चार्ज भी हो जाएगा। इसके साथ में देख सकते हैं साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है एंड फेस अनलॉक दोनों देखने को मिल जाते हैं। ओके तो साइड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है 7000 रुपए के अंदर में, फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहा यार बहुत सारे स्मार्टफोन में, बट इसमें साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है जो लाइक 14000 रुपए 12000 रुपए वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स ना सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए अंदर में आ जा रहा है। अगर वेट की बात कर लिया जाए तो 204 ग्राम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 204 ग्राम वेट है। इन्फिनिक्स का ज्यादातर लाइट वेट ही मोबाइल आता है। ओके और काफी ज्यादा ये भी लाइट वेट है, 200 ग्राम के लगभग में है, तो ज्यादा भारी तो होने नहीं वाला है। ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए के अराउंड में मिल रहा है और पॉइंट होल डिस्प्ले के साथ में यार 7000 रुपए के अंदर में तो काफी ज्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ में कई सारे फीचर्स दिए गए ऐसे ऐसे जो कि अदर स्मार्टफोन में अगर आप लोग ढूंढोगे तो यार थक जाओगे, नहीं मिलने वाला है बिकॉज इसका रैम और स्टोरेज ही नहीं मिलेगा यार 7000 रुपए के अंदर में, इतना ज्यादा हो गया। इसके साथ में 50 मेगापिक्सल कैमरा तो कोई स्मार्टफोन
फोन दे ही नहीं सकता है यार, तो इसमें डाला गया है काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे फ्रंट में भी एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाता है, तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। डिस्प्ले वगैरह काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर 90Hz का डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है तो काफी ज्यादा स्मूथली वर्क भी करेगा डिस्प्ले। 7000 रुपए के अंदर में अगर आप लोग बेस्ट स्मार्टफोन खोज रहे हैं ना, तो आई रिकमेंडेड की स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। आप चाहे तो गिफ्ट कर सकते हैं या फिर घर के लिए ले सकते हैं, फिर आपको जिस टाइप की जरूरत हो, बट 7000 रुपए के अंदर अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को जरूर बाय कीजिएगा, काफी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियोस भी काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं या फिर नहीं, एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लास्ट में, क्योंकि इससे मोटिवेट होता है, आप लोगों को टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।